हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, फ्लैक्सी स्मार्टफोन, अभी तक आप सोचते थे कि फ्लैक्सी स्मार्टफोन आपको मिलेगा 30,000 रुपये से ऊपर, लेकिन अभी ऑनर प्ले लॉन्च किया गया था तो 20,000 रुपये के अंदर बताया जा रहा था कि अभी तक का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन जो है यहाँ पर, और इसमें जो प्रोसेसर आपको मिलता था वो क्रीन 970 प्रोसेसर मिलता था। बताया जा रहा था कि ये एक फ्लैक्सी प्रोसेसर है और यहाँ पर फ्लैक्सी स्मार्टफोन बोला जा रहा था ऑनर प्ले को। लेकिन आज Xiaomi के द्वारा पोको F1 लॉन्च कर दिया गया है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर यहां पर रखता है, यानी कि जो क्रीन 970 है वो उससे भी काफी अच्छा प्रोसेसर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 वाला यहां पर फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है केवल 21,000 रुपए में। और फोन के जो बाकी स्पेसिफिकेशन है वो भी काफी अच्छे हैं और यहां पर एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन अब आप परचेज कर पाओगे केवल 21,000 रुपए में, यानी कि Xiaomi के द्वारा एक जबरदस्त फोन लॉन्च कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन यानी कि पोको F1 के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों, अभी तक इस स्मार्टफोन को जब लॉन्च नहीं किया गया था तो बोला जा रहा था इस स्मार्टफोन का जो प्राइस रहने वाला है वो करीबन 30,000 रुपये से ऊपर ही रहने वाला है। लेकिन आज जब Xiaomi ने इस स्मार्टफोन का प्राइस अनाउंस किया तो सभी को यहां पर काफी ज्यादा जो है इसका प्राइस जो लगा वो काफी कम लगा, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी Xiaomi के द्वारा कि इसका प्राइस केवल जो है 20,999 रुपए रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर आपको मिलेगा केवल 21,000 रुपए में। ये एक पहला स्मार्टफोन होगा जो इतने कम प्राइस में आपको इतना जो यहां पर बेस्ट प्रोसेसर है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर Xiaomi का जो पोको F1 स्मार्टफोन है वो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन निकल कर आ रहा है, वो भी काफी कम प्राइस में। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं पोको F1 की डिस्प्ले के बारे में। तो पोको F1 में आपको 6.18 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, जिसका जो रेशियो है वो यहां पर जो है 18.7:9 रेशियो यहां पर प्रोवाइड किया गया है। फोन में आपको जो है यहां पर जो नॉच आजकल चल रही है नॉच भी यहां पर आपको मिल जाएगा। और बात करें यहां पर जो प्रोसेसर की, तो मैंने आपको बताया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर यहां पर आपको मिलेगा, जो आपको मिलता है OnePlus 6 में, यानी कि आपको जो OnePlus 6 प्रोवाइड किया जा रहा है वो करीबन 35-36,000 रुपए के आपको पड़ता है। और यहाँ पर जो Asus का Zenfone 5Z है वो भी 30,000 रुपए के आसपास आपको पड़ता है और ये आपको मिलेगा केवल 21,000 रुपए में। दोस्तों, बात की जाए यहाँ पर रैम की, तो आपको यहाँ पर जो है दो वेरिएंट देखने को मिलेगा। पहला होगा 6GB रैम वेरिएंट, जिसमें आपको जो है 64GB का इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड किया गया है, जबकि दूसरा वेरिएंट भी यहाँ पर जो है 6GB रैम वेरिएंट होने वाला है, उसमें आपको जो है 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। जबकि जो यहाँ पर हायर वेरिएंट होने वाला, तीसरा वेरिएंट होने वाला है, वो होगा यहाँ पर 8GB रैम वेरिएंट, जिसमें आपको 256GB का इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, यानी कि आप अपना SD कार्ड भी यहाँ पर लगा पाओगे 256GB तक का। दोस्तों, बात करें फोटोग्राफी की, तो यहां पर काफी अच्छी क्वालिटी का आपको कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है। रियर में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो मेन सेंसर होगा वो यहां पर 12 मेगापिक्सल का 1.4 माइक्रोन लार्ज पिक्सल वाला आपको कैमरा मिलेगा, जिसका जो अपर्चर होगा वो F.9 होने वाला और ये आपका EIS को सपोर्ट करता है। और जो सेकेंडरी सेंसर होगा वो यहां पर 5 मेगापिक्सल का होगा। दोस्तों, बात की जाए यहां पर फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में आपको जो है 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। दोनों ही जो कैमरा होने वाले हैं दोस्तों वो यहां पर AI को सपोर्ट करते हैं, यानी कि आपको जो है फ्रंट कैमरे में बुके इफेक्ट मिलने वाला है। साथ में यहां पर आपको काफी ज्यादा जो AI सीन डिटेक्शन वाले फीचर हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे और यहां पर आपको काफी ज्यादा ब्यूटीफाई वाले मोड भी देखने को मिलेंगे, यानी कि काफी अच्छी क्वालिटी का यहां पर आपको कैमरा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो लोग सोच रहे थे यहां पर Mi A2 के बारे में, वो अगर उनका बजट है 21,000 रुपए के आसपास का, तो वो यहां पर जो है पोको F1 भी जो है ले सकते हैं, क्योंकि Mi A2 से काफी बेस्ट यहां पर रहने वाला है पोको F1। और दोस्तों, जिन्होंने यहां पर ऑनर प्ले जो है परचेज कर लिया तो वो सोच रहे होंगे शायद वो कुछ दिन रुक जाते तो यहां पर पोको F1 वो परचेज कर सकते थे, क्योंकि इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑनर प्ले से काफी अच्छे। ऑनर प्ले में भी आपको टर्बो GPU मिलता था, लेकिन यहां पर आपको जो है लिक्विड कूलिंग वाली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई, यानी कि गेमिंग एक्सपीरियंस यहां पर आपका काफी अच्छा होने वाला, फोन आपका बिल्कुल भी हीट नहीं करेगा इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, ऐसा Xiaomi के द्वारा यहां पर बताया गया है। बात करें यहां पर जो है बैटरी की, तो यहां पर आपको 4000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, जो कि यहां पर क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करती है। दोस्तों, और कुछ फीचर्स की बात करें तो यहां पर आपको जो है IR फेस स्कैनर मिलेगा, यानी कि कैमरा वाला यहां पर आपको फेस स्कैनर नहीं मिलेगा, जो फेस अनलॉक वाला फीचर होगा वो आपका IR जो यहां पर सेंसर प्रोवाइड किया गया है उसके द्वारा आपको फेस अनलॉक का फीचर मिलेगा, यानी कि आप लो लाइट में भी जो है अपने फेस से ही जो है फोन को अनलॉक कर पाएंगे। साथ में यहां पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, USB Type-C पोर्ट इसमें प्रोवाइड किया गया है, यानी कि आपको जो ये फोन मिल रहा है उसमें सभी फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर OS की, तो यहाँ पर आपको जो है स्पेशल MIUI का वर्जन मिलने वाला है जो कि पोको फोन के ही लिए डिजाइन किया गया है। साथ में यहाँ पर आपको जो है पोको लॉन्चर देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें MIUI का आपको जो है अलग से जो है एक वर्जन देखने को मिलेगा जो स्पेशली यहाँ पर पोको फोन के लिए ही बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि जो पोको लॉन्चर है वो यहाँ पर प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध कराया जाने वाला है अभी कुछ दिनों में। यहाँ पर जो एंड्रॉइड वर्जन आपको मिलेगा वो एंड्रॉइड ओरियो 8.1 आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ फीचर्स यहाँ पर Xiaomi के पोको F1 के फीचर्स, आपको पता है काफी अच्छे हैं और प्राइस भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पहला वेरियंट होगा जो 6GB रैम वेरियंट होगा जिसमें आपको 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, उसका प्राइस होने वाला है 20,999 रुपए। जबकि जो दूसरा वेरियंट होने वाला है जिसमें आपको 6GB का रैम मिलता है, 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, उसका प्राइस होगा 23,999 रुपए। जबकि जो 8GB रैम वेरिएंट होगा जिसमें आपको देखने को मिलती है 256GB की इंटरनल स्टोरेज, उसका प्राइस यहां पर होगा 28,999 रुपए। तो यहां पर 30,000 रुपए से कम ही इसका प्राइस रखा गया है जो तीनों वेरिएंट है। तो जो लोग अभी तक सोचते थे फ्लैक्सी स्मार्टफोन के बारे में, तो अब वो 20,000 से 30,000 रुपए के बीच में एक फ्लैक्सी स्मार्टफोन परचेज कर पाएंगे। तो यहां पर Asus ZenFone 5Z, Honor Play और जो OnePlus 6 है उसको भी काफी कड़ी टक्कर अब Xiaomi के पोको F1 से इन सभी स्मार्टफोन को मिलने वाली है। दोस्तों आप लोगों को क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।